लिमिट चैप्टर में आज हम लोग 7.4 ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, बट इस एक्सरसाइज का बेसिक्स क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये जो आपने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 के अंदर बहुत सारे जो फॉर्मूले होते हैं, उन सारे फॉर्मूले के जो फंक्शंस होंगे ट्रिगो के फंक्शंस, उनका लिमिट कैसे फाइंड करना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट फाइंड करने के लिए बेसिक फार्मूला है, एक ही बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या है वो? तो जैसे कि पहले ये देख लो, अगर लिमिट है x टेंड टू 2 और यहाँ पर है साइन x, तो सॉल्व कैसे होगा? ये ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको क्या करना है, जहाँ भी x है 2 रख दो, साइन 2 हो गया। अगर ये x इक्वल टू 20 डिग्री है तो x की जगह आ गया 20 डिग्री, तो इसमें भी वही करना होता है, लिमिट x टेंड टू 20 साइन x, तो जहाँ भी x है वहाँ पर 20 डिग्री रख दो सब्जेक्ट। लेकिन अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो नहीं करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सपोज एक है साइन एक्स अपॉन एक्स और यहां पर लिमिट ये जो एक्स है टेंड्स टू 0 है, अगर समझो एक्स टेंड टू 30 है तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एक्स की जगह 30 रख दोगे, साइन 30 अपॉन 30, साइन 30 होता है 1/2 अपॉन 30, ये हो जाएगा 1/60 हो गया, ठीक है, ये ऐसे उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 30 थी, 30 रखने के बाद जो डिनोमिनेटर में x 0 नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है, तो डायरेक्ट रख सकते थे। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन ऐसे हो जाए x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, सो इसका कैसे इवेल्युएट करेंगे लिमिट को, तो x की जगह 0 डायरेक्ट तो रख नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो है साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी बोलते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर ये थीटा टेंड्स टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा इज ऑलवेज 1। ये बेसिक बात है, आपको याद रखनी है। इसके साथ ही और किसी के लिए ऐसा फॉर्मूला है क्या ट्रिगो में? यस, फॉर टैन थीटा, अगर टैन थीटा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टैन थीटा अपॉन थीटा है तो भी इसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो अब करना क्या है इस एक्सरसाइज में, पूरे लिमिट चैप्टर में, पूरे लिमिट चैप्टर में कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको मिल गए साइन या टैन, तो आप ट्राई करो साइन एक्स है तो उसके अपॉन में यानी डिनोमीटर में एक्स आ जाए कैसे भी करके। अगर साइन एक्स के डिनोमीटर में एक्स आ गया तो उसका लिमिट 1 होता है, अगर वो एक्स टेंड टू 0 है तो। अगर टैन थीटा है या टैन एक्स है उसके डिनोमीटर में अगर थीटा है तो थीटा लाओ, एक्स है तो एक्स लाओ, और वो एक्स टेंड टू 0 होना चाहिए, तो आंसर 1 आएगा। ये सिर्फ साइन और टैन के लिए होता है, कॉस से कोसेक के लिए नहीं होता, साइन और टैन के लिए होता है। अच्छा, कोसेक के लिए भी होगा, अगर ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ऐसे थीटा अपॉन कोसेक है तो कोसेक को हम क्या करेंगे 1/sin θ कर देंगे, तो ये भी कैसे हो जाएगा, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड टू 0 इसको हम ऐसे करेंगे 1/sin θ/θ, रेसिप्रोकल कर दिया तो भी होगी, फिर लिमिट ऊपर नीचे करेंगे, इसका लिमिट 1 होता है 1/1 यानी इसका भी लिमिट 1 होता है, ये याद रखना। साइन थीटा अपॉन थीटा होगा तो भी 1, थीटा अपॉन साइन थीटा होगा तो भी 1, टैन थीटा अपॉन थीटा है उसका लिमिट भी 1, और अगर ये थीटा अपॉन टैन थीटा हुआ और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है तो भी लिमिट 1। तो ये याद रखना है बेसिक फॉर्मूले, ओनली ये मेन याद रखो साइन थीटा। अभी आप बोलोगे टेन थीटा कैसे आ रहा है, तो यहीं से आ रहा है, सपोज ये है टेन थीटा, इसको मैं ऐसे करता हूँ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा है, चलो देखो इवेल्युएट करते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा को हम कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड पूरे का अपॉन थीटा है वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो साइड में कर दो 1/θ। अब क्या होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ये साइन थीटा है उसके नीचे थीटा ये देते हैं इनटू ये जो कॉस थीटा इसको अलग कर दो 1/cos θ और इसका लिमिट अलग से निकाल दो थीटा टेंड्स टू 0 होगा क्या, इसका तो फॉर्मूला है ये वाला साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, तो ये हो गया 1 और 1/cos θ, थीटा की जगह पे 0 रखना 1/cos 0 डायरेक्ट रख दिया, सो 1 × 1/cos 0 इज 1, 1 × 1 1, तो देखो लिमिट टैन थीटा अपॉन थीटा भी 1 है क्योंकि ये 1 है, इससे ये प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन थीटा जब भी दिखेगा तो 1, या तो साइन एक्स अपॉन एक्स होगा थीटा के बदले तो भी 1, और टैन थीटा होगा तो भी 1, सिर्फ इतना करना डिनोमिनेटर में
साइन एक्स है तो एक्स लाना, साइन थीटा है तो थीटा लाना। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.4 और फर्स्ट क्वेश्चन। अगला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, अभी जो मैंने थियरी बताया साइन थीटा अपॉन थीटा होगा तो 1, वो याद रखो। यहाँ पर देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन एम थीटा अपॉन टेन एम थीटा है, क्या कर सकते हैं देखो, सिंपली क्या करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय थीटा लिख सकते हो यहाँ पर, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ देखो, साइन एम थीटा अपॉन थीटा उसको थीटा से डिवाइड किया एंड टेन एन थीटा है उसको भी थीटा से डिवाइड किया। व्हाट वी हैव डन, डिवाइडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय थीटा। अब देखो ये सेम करना, ये एम थीटा है ना, तो यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई करना नीचे और ऊपर इस तरह से, यहाँ पर एन थीटा है, सेम करने के लिए यहाँ एन से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में और यहाँ पर भी एन से, एन एन कैंसिल होकर वापस वही आ जाएगा, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। लिमिट दोनों को दे दो, लिमिट ऊपर भी जाएगा नीचे भी, तो लिमिट कितने बार भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। ओके, लिमिट यहाँ गया तो क्या गया, साइन ऑफ एम थीटा अपॉन एम थीटा। अब यहाँ पर एक एम भी था, उस एम को बाहर ले सकते हैं, वो लिमिट के बाहर आ जाएगा, जो कॉन्स्टेंट होता है लिमिट के बाहर आ सकता है। यहाँ पर जो एन है वो लिमिट के बाहर आ गया इस तरह से, और ये हो गया टैन एन थीटा अपॉन एन थीटा। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, फॉर्मूला क्या था देखो, यहाँ रीजन में लिखना सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो टैन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो m और ये हो जाएगा 1, सेम है थीटा टेंड्स टू 0 और ये n इंटू ये हो जाएगा 1। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो m थीटा है, यहाँ ओनली थीटा टेंड्स टू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सिंस थीटा टेंड्स टू 0 देयरफॉर m थीटा टेंड्स टू 0 एंड थीटा टेंड्स टू 0 देयरफॉर एन थीटा टेंड्स टू 0। ये नहीं, हाँ कॉन्स्टेंट है ना, अगर थीटा 0 को टेंड कर रहा है तो एम इंटू थीटा भी 0 को टेंड करेगा। अब देखो क्या होगा, ये एम इंटू 1 एम, एन इंटू 1 एन, तो ये हमारा आ गया लिमिट का आंसर। फाइनली ये क्वेश्चन वापस से लिख के इज इक्वल टू एम अपॉन एन करके बॉक्स आपको करना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हर बार आपको साइन और टेन दोनों के नीचे थीटा लाने का ट्राई करना है। एक बार आपने वो कर लिया तो फिर ये जो फॉर्मूला है दोनों ये यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ट्रिगो का जब भी क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको साइन और टेन के नीचे थीटा लाना है कैसे भी, अगर एक्स है तो एक्स लाना है। चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं अभी सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर है। तो अब जैसे मैंने बताया हर बार साइन और टेन होना चाहिए तो मज़ा आ जाए, उसका फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ तो कॉस 2 थीटा है। तो आपको पता ही है कॉस 2 थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा का जो साइन वाला फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी निकाल सकते हैं हम। 1 माइनस ये कॉस 2 थीटा उस तरफ गया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आया तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज रिप्लेस बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो ये हो चुका है, यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहिए राइट साइड में, ये कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, कोई भी एक फॉर्मूला लिख के दिखाओ इसमें से। देन ये तो स्क्वायर है और 2 भी है, 2 को पहले बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब ये जो साइन थीटा और थीटा है ना, उसका आप स्क्वायर बाहर ले सकते हो, दोनों का स्क्वायर ऊपर ले लिया, साइन स्क्वायर था और थीटा स्क्वायर था नीचे, और ये जो ब्रैकेट है वो लिमिट अंदर कहीं भी डाल सकते हो, लिमिट का कुछ स्क्वायर नहीं होता, लिमिट भी अंदर चला गया। अब ये स्क्वायर सिर्फ इसके लिए, लिमिट के लिए नहीं है, लिमिट कहीं भी जा सकता है, उसको कोई भी बैरियर नहीं है। तो ये हो गया, अब ओनली इसकी बात करेंगे। सो 2 इंटू दिस इज व्हाट बेसिक फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। सो ये आ गया 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 2 आ चुका है। यहाँ पर आपको रीजन लिखना है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आपको क्या करना है कि फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ। चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, एक साथ बता रहा हूँ, दोनों का ट्रिक सेम है। फर्स्ट और सेकंड तो बहुत इजी थे, थर्ड और फोर्थ भी इजी है, बट अगर स्टार्टिंग का स्टेप आपको समझ में आया तो। यहाँ पर कैसे एक्स टेन एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स है डिनोमिनेटर में, यहाँ देखो सेक एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, दोनों एक साथ मैं कंपेयर करता हूँ तो टेन एक्स तो अच्छी बात है, टेन एक्स के अपॉन में अगर एक्स आ गया तो 1 आ जाएगा,
बट यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, तो हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स को चेंज कर सकते हैं क्या? इसके पहले कॉस 2x था तो चेंज हुआ था, हाँ इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेकंड, उसमें हम लोग ने आंसर लाया था 2 और टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर की में दिया हुआ 0, तो वो रॉन्ग दिया है, मिसप्रिंट है, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ तो स्क्वायर भी नहीं है 2x भी नहीं है, तो वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा सेकंड वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, 1 माइनस कॉस एक्स है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, रैशनलाइजेशन थर्ड एक्सरसाइज में जो किया था, sec x माइनस 1 है तो sec x प्लस 1 कॉन्जुगेट है, उससे मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, कल जो हम कर रहे थे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं करते, चलो एक स्टेप कम करता हूँ मैं, यहीं पर 1 माइनस कॉस एक्स का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद ये सेकेंड स्टेप था। सो लिमिट x टेंड टू 0, अब ये होगा, देखो कल हमने सीखा था ऐसे a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला, सो ये है x टेन x 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया, और ये जो है इसको साइड में ही रखो, कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो जनरेट होता है एक, उसको साइड में रख के उसकी लिमिट अलग करना। इसके बाद देखो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स टेन टू 0, ये हो गया एक्स टेन एक्स, और ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट आइडेंटिटी से आया ये, और इंटू यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, आप क्या करो ये लिमिट इसके पास अलग से दे दो, जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है उसको साइड में ही सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर देने का वैल्यू। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स है, तो जनरली हमारा फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 इफ़ लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये होता है, तो यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स है तो फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो डिनोमेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो जो न्यूमरेटर है वो भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट ऊपर नीचे दोनों को दे दो, लिमिट एक्स टेंड टू 0, लिमिट एक्स, लिमिट को आप जितने बार चाहिए उतने बार रिप्रोड्यूस कर सकते हो, होगा क्या ये एक्स एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू भी देखना है, इसको ध्यान रखना है, ये एक्स की जगह डायरेक्ट 0 रखते हैं तो 1 प्लस कॉस 0। अब ये जो है टेन एक्स अपॉन एक्स, ये 1 हो गया डायरेक्ट, या तो पहले इसको एक बार और लिख दो, लिमिट एक्स टेन टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, ओके ये होने वाला है 1, और यहाँ पर आएगा लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और दोनों का जो स्क्वायर है वो कॉमन लेना, पूरा लिमिट भी अंदर ले लो और स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस 0 इज 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो टेन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 1, साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 2, सो 1 अपॉन 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो हमारा जो आंसर आ गया वो है 2। इस तरह से ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वापस से देखो sec x माइनस 1 है, sec x के लिए तो फॉर्मूला था नहीं, तो यहीं पर कॉन्जुगेट कर दो, sec x माइनस 1 है तो प्लस 1 ले लो इसका, और ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करो sec x प्लस 1 से, सो ये बीच में इंटू है, मल्टीप्लाई कर रहे कॉन्जुगेट से, ये हो चुका है, इसको सॉल्व करना है इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, देखो sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसको साइड में ले लो, 1 अपॉन sec x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड टू 0, जो सेकेंड आइडेंटिटी था क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, सो ये जो 1 प्लस है ये उस तरफ गया तो माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, sec स्क्वायर x इज वॉट, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज टेन स्क्वायर x, आइडेंटिटी से आया, और ये x स्क्वायर, ये जो लिमिट था अब आगे भेज दो, इसके पास भी भेज दो, लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन sec x प्लस 1, इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो tan x अपॉन x के लिए फॉर्मूला होता है 1, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यू कैन टेक स्क्वायर कॉमन, सो ये हो जाएगा tan x अपॉन x द होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पर x की जगह पर 0 रख दो, sec 0 प्लस 1, सो दिस विल बिकम 1, 1 स्क्वायर एंड 1 अपॉन sec 0 इज 1 प्लस sec 0, sec 0 क्या, देखो cos 0 क्या होता है 1, तो sec 0 भी 1, 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, दिस इज 2, 1 इंटू 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, सो ये आ गया फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 सब क्वेश्चन है, चार के चार मैंने आपको समझा दिए, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में फर्स्ट है लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स, अब कॉस का तो फॉर्मूला है नहीं, साइन और टेन का है,
तो कॉस है, तो अभी इसके पहले जो हमने किया था कॉस को हमने कैसे कन्वर्ट किया था वो देखो, कॉस टू एक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इस एक्सरसाइज के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर इस तरफ अगर आया, अच्छा ये 2 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये 2 साइन स्क्वायर इस तरफ आया 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस टू एक्स वहाँ गया तो 1 माइनस कॉस टू एक्स होगा। तो देखो ऐसे ही 1 माइनस कॉस टू एक्स होना चाहिए, बट ये तो एन एक्स है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कॉस एक्स होगा तो यहाँ पर एक्स बाई टू होता है, अगर यहाँ पर एन एक्स है एन एक्स तो यहाँ पर भी एन डाल देना। बेसिक फार्मूला क्या है ये कि 1 माइनस कॉस एक्स है, 2x है तो सिर्फ 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2x के बदले सिर्फ x है तो x बाई टू, यहाँ पर x की जगह x बाई टू कर दो, तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। देखो लिमिट x टेन टू जीरो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस एक्स तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ x था, x के बदले एन एक्स है, x के बदले क्या है एन एक्स, तो यहाँ पर भी एन एक्स दो, एन एक्स बाई टू ये हो गया अपॉन 1 माइनस कॉस एम एक्स, 1 माइनस कॉस यहाँ एन के बदले एम है, ओके तो आप एम लिख दो, 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू, ओके ये क्या है एम एक्स बाई टू आ गया। अब देखो साइन आ गया, अब फॉर्मूला कर सकते हैं, बट जो साइन का यहाँ एंगल है, जो एंगल है वही नीचे आना चाहिए। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले 2 2 कैंसिल, यहाँ पर ये हो गया इज इक्वल टू, देखो अपॉन यहाँ पर है साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू, और नीचे है यहाँ पर साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू, और 2 कैंसिल हो गया, जो लिमिट है वो स्प्लिट करो, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, लिमिट एक्स टेन टू जीरो। अब देखो यहाँ पर एंगल एक्स है ना और यहाँ स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना दोनों को, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो कर दिया, बट ये जो एक्स है ये काम करते अभी स्क्वायर करते, इसको लिमिट एक्स टेन टू जीरो स्क्वायर कॉमन लेते, मतलब साइन एन एक्स बाई टू अपॉन एक्स, इस पूरे का स्क्वायर था, ऊपर का स्क्वायर और नीचे स्क्वायर कॉमन ले लिया, अपॉन लिमिट एक्स टेन टू जीरो, यहाँ पर क्या देखो साइन एम एक्स बाई टू एंड अपॉन में एक्स, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया स्क्वायर। अब तुमको पता है यहाँ जो एंगल होगा नीचे भी वही एंगल आना चाहिए, तो एडजस्ट करते, कैसे एडजस्ट होगा, यहाँ एक्स के साथ एन बाई टू देना है, तो आप यहाँ पर एन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और ये सेम स्क्वायर के अंदर ही एन बाई टू ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर एक्स के साथ एम बाई टू है तो यहाँ एम अपॉन टू से मल्टीप्लाई करो, ओके, और ये सेम जो स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर ही यहाँ पर ऊपर भी एम बाई टू से मल्टीप्लाई होगा। क्या आगे देखो, यहाँ पर ये जो एन बाई टू है उसका भी स्क्वायर होगा, बाहर आ जाएगा एन स्क्वायर बाई टू हो गया, फोर हो गया एन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर फोर, अपॉन यहाँ पर जो एम एम बाई टू है वो स्क्वायर होकर बाहर आएगा तो एम स्क्वायर अपॉन फोर, और ये जो लिमिट है इसकी लिमिट वापस से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन एन एक्स बाई टू, साइन एन एक्स बाई टू अपॉन एन एक्स बाई टू, सेम आ गया। देखो अभी ऐसे पूरे का स्क्वायर करो, जो स्क्वायर था लिमिट भी अंदर डाल दिया, एन बाई टू को बाहर ले लिया, ये हो गया अपॉन ये लिमिट एक्स टेन टू जीरो जो डिनोमीटर में था, ये लिमिट अंदर गया एम बाई टू स्क्वायर होकर बाहर आया, और ये जो है वो लिख दो साइन एम एक्स बाई टू अपॉन एम एक्स बाई टू। अब होगा क्या, देखो ये दोनों का फोर कैंसल, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आया, और ये हो जाएगा वन उसका स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा वन उसका स्क्वायर। रीजन में आप फॉर्मूला लिखोगे, लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज वन, तो ये वन स्क्वायर वन हो गया, सो एन अपॉन एम द होल स्क्वायर आ गया आंसर में। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। तो ये जो आंसर हमारा आ चुका है, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर था, इसका स्क्वायर लिखना रह गया था, ये हो गया स्क्वायर है, ये वन वन का स्क्वायर आया हुआ है। यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका आंसर भी यहाँ स्क्वायर नहीं दिया हुआ, बट एग्जैक्टली ये स्क्वायर आएगा एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो या ऐसे भी रखोगे तो चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ये जो है लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई सिक्स है, देखो जीरो नहीं है पाई बाई सिक्स है, पाई बाई सिक्स मतलब क्या होगा 30 डिग्री, और कॉट 30 कॉट 30 रूट थ्री होता है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, डिनोमीटर जीरो आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट एक्स की जगह पाई बाई सिक्स नहीं ले सकते, साइन भी नहीं है टेन भी नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखो जो कॉट स्क्वायर होता है उसकी आइडेंटिटी हमको पता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या उसका कुछ फायदा हो सकता है, यस, यू न्यूमरेटर में देखो कॉसेक एक्स है और डिनोमिनेटर कॉट स्क्वायर एक्स है, इस कॉट स्क्वायर को अगर हम कोसेक स्क्वायर कर दें
क्या आ जाएगा, ये वन प्लस उस तरफ गया तो माइनस वन हो गया। सो आई कैन से कॉट स्क्वायर, इसको रिप्लेस करो, टू माइनस कोसेक एक्स ऊपर है, जो कॉट स्क्वायर एक्स है उसको हम ये करते कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कॉट स्क्वायर की जगह पे, और पहले से माइनस थ्री था। सो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाय सिक्स, टू माइनस कोसेक एक्स। अब ये है ना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस फोर, माइनस फोर माइनस फोर, फोर को मैं लिखता हूँ टू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है। देखो अब हो गया ये सॉल्व, ज़्यादा नहीं करना है कुछ। ये देखो डिनोमीटर पहले देखो, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस टू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे दोनों को एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, पहले माइनस कर दो कोसेक एक्स माइनस टू, फिर प्लस कर दो, प्लस पहले करोगे तो अभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोसेक एक्स माइनस टू है, न्यूमरेटर में देखो टू माइनस कोसेक से, उसको घुमा दो, माइनस कॉमन ले लो, आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस टू, देखो सेम सेम हो गया, यू कैन कैंसल। और जब भी कैंसिल करते हैं तो क्या लिखना होता है, रीजन पता ही है, सिंस एक्स टेंड्स टू पाई बाय सिक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय सिक्स, फिर ये जो कैंसिल हुआ ना वो डायरेक्ट लिखो, देयरफॉर कोसेक एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, और बाद में ऐसे लिख सकते हो कोसेक, मतलब कोसेक पाई बाय सिक्स टू होता है, कोसेक थर्टी, ओके। सो कोसेक एक्स टू इस तरफ आए तो माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रीजन में आपको दिखाना होगा, जिस जो कैंसिल हो रहा है वो आना चाहिए। यहाँ पर कैसे आया कि कोसेक ऑफ एक्स कोसेक ऑफ पाई बाय सिक्स, कोसेक थर्टी टू होता है कोसेक एक्स, और ये टू इस तरफ आया तो माइनस टू, ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा देखो, ये लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाय सिक्स, ये माइनस है, माइनस वन अपॉन कोसेक एक्स प्लस टू। अब होगा क्या, जो कोसेक एक्स माइनस टू था उसकी वजह से ये जीरो हो रहा था पूरा लिमिट, वही कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे लिमिट हट जाएगा, ऊपर का माइनस वन अपॉन कोसेक एक्स की जगह पे आ गया पाई बाय सिक्स प्लस टू, माइनस वन अपॉन कोसेक थर्टी, ऑलरेडी टू होता है टू प्लस टू, माइनस वन अपॉन फोर आ गया, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से सेकंड करना जो काफ़ी आसान है।